जिला एवं मुक्त कारागार धर्मशाला में सजा काट रहे कैदियों को अवसाद से दूर रखने व उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए पीएनबी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के सौजन्य से विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जिला कारागार में आयोजित इस कार्यक्रम में पीएनबी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के डायरेक्टर कमल प्रकाश बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षण ग्रहण करने वाले कैदियों को बैंक की ओर से प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए, ताकि जेल से बाहर निकलते ही कैदी अपना रोजगार स्थापित कर सकें। जिला एवं मुक्त कारागार धर्मशाला में सजा काट रहे कैदी तरसेम सिंह ने कहा कि जेल के भीतर दिए गए इस प्रशिक्षण के माध्यम से कैदियों ने बांस से बनने वाले विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण करना सीखा है, जो कि उन्हें सजा काटने के बाद अच्छा जीवन यापन तथा स्वरोजगार की दृष्टि से कारगर सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अत्यधिक मात्रा में बांस उपलब्ध होता है और इससे कम लागत से कई सजावट की वस्तुएं बनाकर अच्छी कीमत वसूली जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बहुत से मेलों का आयोजन भी होता रहता है, जिससे कि इन उत्पादों को आसानी से बेचा भी जा सकता है। तरसेम ने कहा कि जेल में इस प्रकार के प्रशिक्षण से अवसाद व नशे की प्रवृत्तियों से दूर रहने में भी सहायता मिलती है। मेरा नाम तरसेम सिंह है और ये ग्रामीण स्वरोजगार वालों ने ट्रेनिंग दी है बुम्बू वगैरह में। इससे हमने क्या किया कि किस्ती वगैरह बनाई, किस्ती मकान और बहुत कुछ प्रोडक्ट तैयार किया है। इसकी हमको ट्रेनिंग दी गई है 13 दिन की ट्रेनिंग दी, और इससे क्या है कि हम अंदर बैठ के भी गलत विचार न सोच के अपना छोटा मोटा कारोबार कर सकते हैं, और अब बाहर जाने के बाद भी हम इसके थ्रू लोन भी ले सकते हैं। इजी है सारा, पंजाब नेशनल बैंक वाले जो हैं अच्छा गाइड किया इन लोगों ने, और कोई भी घर बैठे अपनी फालतू टाइम भी अगर इस चीज को बनाए आदमी, तो छोटी से छोटी चीजें जो है अपनी मार्केट में शो करके महंगे से महंगे दाम पे बेच सकता है। और जितने भी रोजगार हैं, अनपढ़ हैं, युवा हैं, जो अंदर नशे के लत में है या किसी भी मैटर में अंदर बैठे हैं, सबको हमको ट्रेनिंग दी गई, जिससे हमारा 13 दिन का ये परीक्षण था। हमें लाभ ये होगा कि सर मतलब बांस तो घर में ही है हमारे अपनी, तो इससे अगर हम कोशिश करें 2-4 आदमी को साथ में रख के एक ग्रुप बना के कुछ भी बना दें, कोई भी चीज जिसको हम अपने दुकान में या किसी मेले में या कहीं भी, कांगड़े में मेले तो होते ही हैं, उसमें कहीं भी जाके कोई भी चीज हम बेच सकते हैं। जैसे टेबल बना लिया, कोई एक्सट्रे बना लिया, कोई किस्ती बना लिया, कोई बोर्ड बना लिया, मकान छोटी झोपड़ी बना ली, शोकेस कोई भी हो, किसी भी चीज को बना के हम वहां सेल कर सकते हैं और अपना जो घर का गुजारा है चला सकते हैं इतने। जिला कारागार धर्मशाला के डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट विनोद चंबियाल ने बताया कि शिविर में कारागार के 33 पुरुष कैदियों ने भाग लिया, जिसमें प्रशिक्षक विजय कुमार द्वारा बांस की कलाकृतियों को बनाने का प्रशिक्षण दिया गया, ताकि अपने गुनाह की सजा खत्म होने के बाद ये लोग समाज में रोजगार प्राप्त कर सकें। चंबियाल ने बताया कि जेल में समय समय पर इस प्रकार की अन्य गतिविधियां करवाई जाती हैं, ताकि कैदियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। ये बैम्बू एंड की क्राफ्ट का था, जिसको पीएनबी लीड बैंक कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, इनका एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है RCET, इनकी मदद से ये केन क्राफ्ट का कोर्स कराया गया, जिसमें लगभग 35 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसका मकसद ये रहता है कि प्रिजन में जो भी लोग आए हैं, जिन भी कारणों से वो जेल के अंदर आए हैं, तो हम कैसे उनके जीवन में एक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वी कैन मेक देम स्किलफुल, और उसी मोटिव को मद्देनजर रखते हुए हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया था, क्योंकि बैम्बू हमारे पूरे स्टेट में बहुत अधिक मात्रा में होता है। इससे डिफरेंट तरह के आर्टिफैक्ट्स बनाने और उनका कैसे उनसे अपना रोजी रोटी कमा सकते हैं।